पता चल गया, बारिश ज़बरदस्त हो रही थी। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वापी, तो यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेक लिया, काफ़ी टाइम से पानी नहीं पिया था। मतलब द रूम इज़ सुपर्ब, बहुत खूबसूरत रूम है। मतलब यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा है, बट दिस इज़ अ कम्प्लीट विंडो। गोधरा नहीं, हलोल करके जगह है, वहाँ पर अभी है। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। आप पीछे देख सकते हो, हाईवे दिख रहा है। गाइस हम हैं NH 48, आप समझ गए रहेंगे, NH 48 जो रोड मुंबई से अगर आप निकलते हो तो अगर आपको नॉर्थ जाना है तो इसी रोड से आपको जाना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि यार ये यहाँ पे आके मैंने क्यों चालू किया, मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो मैंने इतना लेट क्यों शुरू किया। गाइस पता चल गया, बारिश ज़बरदस्त हो रही थी। मतलब मैं जो घर से निकला, एक 20-25 किलोमीटर से जो बारिश शुरू हुई, अभी तक बारिश ही हो रही थी। अभी हम लोग अराउंड 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं घर से, और यहाँ पे मौसम खुल गया, तो इसीलिए मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अभी वैसे भी शाम के अभी 6 बज रहे हैं, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता है। मैंने अभी हेलमेट में भी कैमरा नहीं लगा रहा हूँ, जो भी करूँगा मोबाइल से कर लूँगा, कल सुबह हम लोग देख लेते हैं। तो आप पूछोगे मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, रास्ते बताता हूँ। तो चलिए, तो भाई अभी हम यहाँ पे रुके थे, आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे चीकू मिल रहे हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ से चीकू लिए 30 रुपए के, अच्छे खासे मिले हमको। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा फ्रेश अच्छा यहाँ पे मिल रहा है तो वही खाते हैं। शाम हो रही है, आप देख सकते हो सूरज जल रहा है, और अभी हम अराउंड 110-115 किलोमीटर आ चुके हैं। और दूर जाना है, अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद कहीं पर रुक के होटल देखेंगे। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं वापी, तो यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेक लिया, काफ़ी टाइम से पानी नहीं पिया था। मतलब घर से जब से निकला हमें पानी पिया ही नहीं, मेरे ध्यान में ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि पानी पीना, भले कोई भी मौसम हो, पानी आपको पीना ज़रूरी है। तो अभी पानी पी रहा हूँ और खा रहा हूँ चीकू। ये हमने जो रास्ते में चीकू लिए थे ना, इसीलिए लिए थे, हेल्दी और अच्छा रहता है। मतलब आप दूसरा कुछ खाते हो तो पेट भरता है आपका, नींद आती है, ऑयल वेल सब होता है, ये सबसे बेस्ट है। तो अभी यहाँ पे 2-3 चीकू खाता हूँ और फिर निकलता हूँ। अभी जाने और 20 रुपये में मुझे कुछ उन्होंने 8 या 10 चीकू दिए, तो चलो अभी खाता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। मैं पता नहीं कहाँ पे जाऊँगा, अभी 6:30 बज रहे शाम के, 8 बजे तक गाड़ी चलाऊँगा, फिर कहीं होटल देख के वहीं पर रह लूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं। 2000 years later. सो गाइस मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ऑलरेडी मैं सामान रख दिया, थोड़ा फैला हुआ है आप देख सकते हो, एंड द रूम इज़ सुपर्ब, बहुत खूबसूरत रूम है। मतलब यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा है, बट दिस इज़ अ कम्प्लीट विंडो। इसका नज़ारा मैं कल आप सुबह आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ अ वॉशरूम, ये भी सुपर्ब है। A few moments later. गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं और फ्रेश हो चुका हूँ मैं अभी, और खाना मंगाया मैंने जोमेटो से खाना मंगाया। तो आज हम खाने वाले हैं, सो दिस इज करीम की बिरयानी है। करीम सो आपने सुना ही रहेगा, काफी फेमस है मुंबई में भी। The next day. गाइस ऑल सेट फॉर द सेकंड डे, सुबह के 8 बज रहे हैं, लेट हो गया थोड़ा, और मैं अब देख सकता हूँ मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। बस बैग अभी लोड करनी है बाइक पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। अभी मैं आपको जरा बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। रात को जब हम आए थे तो रूम के बाहर के नज़ारे नहीं दिख रहे थे, काफी बड़ी विंडो है लेकिन हम देख नहीं पाए। तो चलो अभी मैं विंडो खोल के आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे कैसे है। रूम तो काफी खूबसूरत था ये, मतलब बहुत अच्छी डील मिली मुझे। मैं विंडो खोलता हूँ, क्या बात है, बहुत बड़ी विंडो है। तो दिस इज वडोदरा। तो गाइस ये सिटी के काफ़ी अंदर है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर हम अंदर आए हाईवे से, तब ये हमको रूम मिला। तो चलो अभी चलते हैं अगले लोकेशन पे, हम बताते हैं आपको आगे क्या है। गाइस काशी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो पूरा सामान लोडेड है, ज़्यादा नहीं, एक टॉप बॉक्स है और एक मेरा टेल बैग है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है क्योंकि
अब मिट्टी देख सकते हो, कैमरा में ज़्यादा दिखेगी नहीं लेकिन पूरी तरह मिट्टी में भरी हुई है। हमने ऑलरेडी जीपीएस लगाया उदयपुर का, तो उदयपुर यहाँ से इट शोस 6 hours 23 minutes 337 kilometers, और हमने कल कवर किए हैं 412 kilometers। तो चलो अभी निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो गाइस यही वो होटल है जहाँ पे हम रह रहे थे, काफ़ी अच्छा होटल है और इसका नाम है होटल यावी, थोड़ा अजीब है नाम। लोकेशन भी इसकी अच्छी है, बस हाईवे से काफ़ी अंदर है। तो चलो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माती की जय, हर हर महादेव। तो हमको यहाँ से आगे से यू टर्न लेना है, लेफ्ट मार के और फिर राइट जाना है। अरे यहाँ पे कट है ना, तो चलो हम यहीं से चलते हैं। हाँ अभी थोड़ी हवा लग रही है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्मी है भाई इधर। मेरी आवाज़ कैसे आ रही है पता नहीं, लेकिन अच्छी तो आनी चाहिए क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलो सिटी के बाहर निकलते हैं पहले, बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम इस ब्रिज पे चढ़े हैं और शायद से ये बाईपास है, मतलब ऊपर ऊपर से ही जाता है, ये सिटी के अंदर से नहीं जाता है। वैसे मैं वडोदरा में कभी आया नहीं, लेकिन शहर तो खूबसूरत लग रहा है। रात को मैं जब ये आया तभी काफ़ी लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके थे। तो गाइस आप राइट साइड में देख सकते हो तिरंगा लहरा रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइस ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे हमें खूबसूरत बनाना भी पड़ेगा, अच्छा बनाना भी पड़ेगा। यहाँ से सीधा गोधरा जाता है ये रोड, मतलब उदयपुर जाता है लेकिन वहाँ गोधरा जाएगा। ये जंक्शन पे काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि ये सब बसेस बसेस है, ये जो गाड़ियाँ हैं जो पिकअप लेती है। चल भाई जल्दी चल, वेलकम टू वडोदरा हलोल रोड। सो ये हमारा दिन का पहला टोल, कल हमने कम से कम 6-7 टोल नाके क्रॉस किए वडोदरा पहुंचने के लिए। गर्मी है गाइस, काफ़ी गर्मी है, धूप निकल चुकी है अच्छी खासी, और अक्टूबर है, सितंबर है, लेकिन ये जो अक्टूबर हीट होती है ना ये वही है, ये और बढ़ेगी अभी। इस रोड पे मैं पहली बार जा रहा हूँ, वैसे तो अहमदाबाद गया था लेकिन अहमदाबाद के लिए रोड सीधा जाता है, और उदयपुर के लिए मैंने देखा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में ये कहीं से वडोदरा से ये राइट आता है, ये वही राइट है। अभी हम इस छोटे से सर्विस रोड पे, तो कैसे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये एमजी मोटर्स की फैक्ट्री है, और देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मतलब पिछले 1 किलोमीटर से मैं जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इनकी ये ब्रांडिंग है MG मोटर्स करके। अरे यार ये स्पीड ब्रेकर से मैं बहुत परेशान हूँ यार, सिंगल स्पीड ब्रेकर चल जाता है लेकिन ये रंबलर जो है ना इसमें बहुत दिक्कत होती है। भाई सभी हम यहाँ पे रुके हैं, एक चाय पीते हैं यार, जब तक चाय नहीं पियेंगे ना चुस्ती नहीं आएगी। यहाँ से चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं क्या मिलेगा लेकिन चलो देख लेते हैं। गाइस अभी चाय पी रहे हैं, तो सुबह की अगर चाय मिले ना तो फिर दिन अच्छा जाता है। तो अभी बज रहे हैं बड़ी 9:30 बज चुके हैं, मतलब सवा घंटा हो चुका है हम होटल से निकले हुए, और गोधरा नहीं हलोल करके जगह है वहाँ पे अभी है। रोड ठीक है, मतलब छोटा रोड है और बीच बीच में है थोड़े पैचेस है जिसके वजह से स्लो हो रहा है, और मेन है जो रंबलर आते हैं ना उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। सिंगल स्पीड ब्रेकर रहेगा तो अच्छा रहता है, बड़ी गाड़ियों के लिए रंबलर ठीक है लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो अभी चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस ये हमारा दिन का दूसरा टोल है और अभी हमने पीछे चाय पी,
अच्छा हो गया मैंने चाय पी, क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था सुबह से, मतलब निकला ना तब से आंख है ना रोड पे बराबर बैठ नहीं रही थी। तो ऐसे होता है कि कभी कभी ना आपकी आंख है ना रोड पे बराबर बैठती है, आपको मजा नहीं आता है, लेकिन अभी ठीक है, एकदम परफेक्ट हो गया और अभी मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो यार कहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट अगर लेट हो जाएगा ना बाद में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे एक्सपीरियंस पे। तो सुबह मतलब ब्रेकफास्ट आप करो और निकलो। वैसे तो मैंने दो बिस्किट खा के मैं निकला था होटल से, बिस्किट्स मैं कैरी करता हूँ साथ में, थोड़ा बहुत साथ में होना जरूरी है कभी इमरजेंसी में। तो वैसे मैंने दो बिस्किट्स खाए थे, लेकिन अभी कुछ थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद है ना थोड़ा लंच है ना, लेट हो जाएगा तो भी चलेगा। तो मोड़ासा इज 123, गोधरा इज 23। राजस्थान एंटर होने के पहले हमको एक बार टैंक फुल करनी है, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। अभी बॉर्डर कितनी दूर है मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं। चलो सो गाइस, यहाँ से इंदौर राइट 266 किलोमीटर है। इंदौर हम जा चुके हैं, आपने वीडियो देखा रहेगा मेरा उज्जैन वाला। अरे रे 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 रे, रोड काफ़ी अच्छी है ये, ये टोल रोड है, मतलब पिछली जो रोड थी वो बहुत ख़राब थी, लेकिन ये वाली अच्छी है, काफ़ी पुलिस भी है यहाँ पे। तो मोड़ासा है 101 यहाँ से, और हमारा मैप जो बता रहा है, और हमको 5 घंटे लगेंगे उदयपुर पहुँचने के लिए। और किलोमीटर कितने यार, 200 समथिंग है। बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है, मतलब काला अक्षर बेस बराबर है मेरे लिए। दूर का मेरे को दिखता है, गाड़ी में चला सकता हूँ, रात को भी चला सकता हूँ, जो मैंने की भी है कितनी बार। जैसे कल तो मैं 11:30 बजे में पहुंचा, लेकिन नजदीक वाला मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। यार नाश्ता ढूंढना है, चलो। 2000 years later तालुका सेवा सदन गोधरा। तो यहाँ पे हम रुके हैं, थोड़ा गुजरात का स्पेशल खमन खाते हैं, भूख लगी है। और इससे अच्छी जगह हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे छाव है, अच्छी खासी छाव है पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं रुका। तो चलो खमन खाते हैं। वैसे हमारा खमन बन रहा है। सो दिस इज गुजरात फेमस खमन। वैसे ये हमारा खमन है, आप देख सकते हो। गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, और बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट था, मतलब खमण मिले तो ढोकला मिले, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भर चुका है, अभी खाने तक हमको रुकना नहीं है, तो अभी सीधा सीधा फटाफट निकलते हैं यहाँ से और उदयपुर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई मिलने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कौन है वहाँ पे। गाइस अभी हम फटाफट निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इन भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे बजरंग दल की रैली है यहाँ से निकलने वाली, इसीलिए पुलिस ज़्यादा है रोड पे। तो ये रैली निकलने के पहले हम यहाँ से निकलते हैं, रैली निकलेगी तो ट्रैफिक भी होगी और हमें उसमें फंसना नहीं है। चलो जय बजरंग बली। गाइस ये राइट में देखिए, यहाँ से रैली निकल रही है। अच्छा हम इसके पहले ही निकल रहे हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाती थी। Still it is showing around 4 hours 48 minutes. एक बार हाईवे पकड़ लेना तो फिर टॉपम टॉप जाएंगे, बस ये सिटी में ही दिक्कत हो जाती है। वैसे आज की दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग है, आज की मैं पहली बोल रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की है ना, जो बारिश जो हो रही थी, मतलब फाउंटेन होटल हमने छोड़ा उसके बाद जो बारिश हो रही थी उसमें इतना सारा पानी हो गया था, इतनी सारी मिट्टी, मतलब गाड़ी की हालत खराब हो गई थी। तो ये दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग थी। रोड थोड़ा भी खुल गया, गोधरा जब भी हम क्रॉस कर रहे थे बहुत ट्रैफिक थी, वो तो सिटी ट्रैफिक होती है, और वैसे भी अभी जो टाइम है इस टाइम पे सब लोग बाहर निकलते हैं, हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था ताकि ये सब दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ती थी। तो अभी चलो चलते हैं, रोड मस्त है, आगे कुछ हाईवे दिख रहा है मुझे, लेकिन हमको उसको टच नहीं करना है, क्योंकि जो गूगल मैप है उसके नीचे से जा रहा है। A few moments later. इस दूसरी बार मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, मतलब मुंबई से मैं निकला था तो ऑलमोस्ट फुल था, और कल मैंने एक बार भरा। भाई ऊपर तलक करना, ऊपर तलक आराम से भरना। तो यार इट इज़ 97.07 पर लीटर, मतलब और एक बार मैं देखूँगा राजस्थान एंटर करने के पहले फिर से एक बार भरूँगा, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 883 9 लीटर गया अभी। बस
टैप करना। गाइस ये देखिए, दिस इज नर्मदा। इस ब्रिज का नाम है माही ब्रिज। काफी ऊंचा है, मतलब जो पानी ये बह रहा है काफी नीचे से बह रहा है। और ये सामने जो दिख रहा है, ये जो नदी के किनारे जो मंदिर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सुबह को जब भी धूप नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए मजा आएगा। बेगा मड़ा। थोड़ी देर पहले पहाड़ शुरू हो गए, मतलब जो प्लेन्स थे गुजरात के वो चले गए, और अभी ये ऊंचा ऊपर नीचे रोड ऐसे चल रहा है। बहुत जल्दी हम राजस्थान एंटर करेंगे। ये जो अरावली रेंजेस जो माउंटेन्स है वो शुरू हो गए ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई यहाँ से उदयपुर दिखा रहा है 201 किलोमीटर्स, और हमारा गूगल मैप कह रहा है यार ये बहुत अंधेरा हो गया, इसका ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, पीछे दिख नहीं रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये रोड बहुत खूबसूरत है, दोनों तरफ हरियाली है और बीच से रोड जा रहा है। और रोड मतलब ठीक है, अच्छा ही रोड है, बीच बीच में थोड़े खड्डे हैं जिनको देख के संभाल के आपको चलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट अदरवाइज सुपर है। अभी और 3.5 घंटे दिखा रहे हैं हमें उदयपुर जाने के लिए। आज ज़्यादा हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लोकल ट्रैफिक है, और ये जो बीच बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो लिंक है ना टूट जा रहा है बीच बीच में। उदयपुर इज 191 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मोड़ासा, मतलब मोड़ासा प्रॉपर सिटी तो 2 किलोमीटर आगे, लेकिन ये मोड़ासा शुरू हो चुका है अहमदाबाद 101 किलोमीटर लेफ्ट में। काफ़ी खूबसूरत शहर है, मैंने देखा काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, बंगलोज विंगलोज बहुत हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ पीते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया कुछ पिया नहीं मैंने। शुगर किंग जूस यहाँ पर दिख नहीं रहा कहीं पर भी, हमको लेना है राइट यहाँ से। देखिए सामने मोड़ासा सिटी है और हम ले रहे हैं राइट टूवर्ड्स उदयपुर के लिए। तो गाइस यहाँ पे छाव है, थोड़ा रुकते हैं कुछ पीते हैं यार। तो गाइस यहाँ पे रुके हैं छाव में थोड़ा, धूप बहुत बढ़ गई है, गर्मी हो रही है। स्टिंग ले लिया मैंने, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला था, यहाँ पे जूस वगैरह तो है नहीं, इसलिए सोचा माउंटेन ड्यू पीऊँ, बाद में सोचा स्टिंग पीता हूँ, थोड़ी नींद आ रही है हल्की हल्की, वो भी तो नींद भी चली जाएगी। तो चलो अभी पीते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से चलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे अच्छा खासा 20 से 25 मिनट रुके, आइडियली इतना देर रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा मोबाइल वगैरह चेक कर रहे थे तो रुक गए। तो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे मारो देश, वी आर इन राजस्थान। तो राजस्थान हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम काशी अपनी बाइक राजस्थान एंटर कर रही है, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अभी हमें नहीं पेट्रोल भरना है, क्यों कि हम राजस्थान एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम रुके हैं, पेट्रोल पंप बंद है, इन छाव अच्छी खासी है, तो बोला यहाँ पे रुकते हैं, तो पानी भी नहीं पीते। हमने किए हैं कितने आज, 221.8, तो ऑलमोस्ट 221-22 किलोमीटर हो गए और 125 किलोमीटर बाकी हैं। तो यहाँ पे 10-15 मिनट रुकते हैं, बाइक को थोड़ा आराम देते हैं और फिर चलते हैं। हमारा GPS भी बहुत गर्म हो चुका है, फ़ोन कुछ मैसेज आ रहा था उसका कि फ़ोन इज़ टू हॉट। सही में यार बहुत गर्म हो गया, इसका कवर निकालते हैं कि ठंडा हो जल्दी। तो ये जो फोन है ये सिर्फ GPS के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। 2000 years later हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट रुके थे, और अभी ये दिखा रहा है, हमने अभी होटल का लोकेशन डाल दिया जहाँ पे हम रुकने वाले रात को। 1 hour 58 minutes दिखा रहा है फॉर 112 किलोमीटर्स, मतलब अभी बज रहे हैं 1:11, 3 बजे तक हम पहुंचेंगे एज पर गूगल, लेकिन अभी देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। अरे अटक गया, गर्मी तो है लेकिन जब ये गाड़ी चलती है तो हवा लगती है तो अच्छा लगता है। सो गाइस ये घाट सेक्शन शुरू हो चुका है, ट्रक्स को कितनी तकलीफ हो रही है चढ़ने के लिए। लेकिन खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल। दिल्ली 792 अजमेर 415। गाइस आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में ये पहाड़ पे एक फोर्ट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहीं से। राजस्थान इज अ प्लेस, मतलब इज अ स्टेट ऑफ पैलेसेस फोर्ट्स, तो ये उसी का एक एग्जांपल है।
thousand years later. इस हम आ चुके हैं रुद्रा पैलेस. अभी बज रहे हैं 3:18. वैसे तो हम बहुत पहले पहुंच जाते थे, लेकिन इतने सारे फोन कॉल आए, इतनी बार इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो रहा था फोन से कि मुझे बार बार रुकना पड़ा. तो चलो देखते हैं अभी यार, गाड़ी से उतरते हैं. तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक कमेंट ज़रूर डालना. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.